उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि चुनाव के लिए उन्होंने रणनीति बना ली है और जल्द ही अपने उम्मीदवारों के टिकट जारी कर देंगे, लेकिन इस बार मेरिट के आधार पर टिकट दिया जाएगा, जिसके लिए अगले कुछ दिनों में सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा। अजय भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बीजेपी की क्या है तैयारी और किस तरह से टिकट आवंटन का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो जाएगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी। भट्ट जी, चुनाव की घोषणा हो गई है, तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी पूरी है, हमारी तैयारी तो तब से ही थी जब से हमको उत्तराखंड की जनता ने विपक्ष में बैठ के प्रदेश की चौकीदारी करने का काम दिया था। हमने चौकन्ना होकर एक सजग प्रहरी की तरह से काम किया है, जिसमें आपदा के मामले को उछाला, जिसमें गरीबों को तो पैसा नहीं मिला और जिनकी कुछ भी नुकसानी नहीं हुई वो माला माल हो गए। 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया सिर्फ शराब की विदेशी मदिरा की पॉलिसी बदलने पर सरकार के चहेतों के जेब में और सरकार के अपनों के जेब में गया, वो मामले का खुलासा भी हुआ, वो दबा हुआ है। नारी निकेतन में गूंगी और बहरी बहनों के साथ खुलेआम बलात्कार हुआ, उसको भी सरकार ने दबा दिया। अनाज के 42,000 बोरे एक कांग्रेस के नेता के गोडाउन से निकले और कह दिया बाद में भूल से निकल गए, हमारे गोडाउन में जगह नहीं थी, वहाँ चले गए, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से फेल हो गया है, झूठी घोषणाओं का अंबार लग गया है, 5% पर भी काम नहीं हुए। कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र है उसकी भी तिलांजलि दे दी, उसके आधार पर भी काम नहीं किया है। हर जगह पर ये सरकार फेल रही है, हर जगह पर, एक जगह पर भी नहीं। भट्ट जी, टिकट आवंटन चुनाव की घोषणा के बाद एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, ऐसे में जो टिकट का आवंटन किया जाएगा किस आधार पर करेंगे, किस बेस पर आप लोग टिकट का आवंटन करने वाले हैं? एक दो दिन के अंतर्गत हम लोग बैठने वाले हैं, हम जल्दी ही यथाशीघ्र बैठ के अपना उत्तराखंड का पैनल बना के अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या फिर केंद्रीय संसदीय दल जिसे हम कहते हैं उसके सामने पेश करने वाले हैं, उसके बाद ही हमारे वहाँ कोई निर्णय होगा। भट्ट जी, 2012 का जो चुनाव हुआ था उसमें महज 0.5% पीछे बीजेपी रह गई थी एक सीट से, और ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि जो टिकट आवंटन होता है उसमें भाई भतीजा बाद यदि होता है तो उस कारण कई बार पार्टियों को हार का सामना करना पड़ता है, तो क्या इस पर भी फोकस आप करेंगे, क्योंकि आप संगठन के मुखिया हैं प्रदेश के? नहीं, इस समय जो भी टिकट दिए जाएंगे वो मेरिट पर दिए जाएंगे, विभिन्न स्तरों से अभी लोगों की हर सीट की इंक्वायरी चल रही है और एक किस्म से उसको आप सर्वेक्षण कह लीजिएगा,